योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा है, कई सारी सौगात आज वाराणसी को मिलने वाली हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी शामिल होगा और अटल आवासीय विद्यालय भी हैं। फिलहाल पीएम मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं वाराणसी से। सीधी तस्वीरें और तमाम जो जनसमूह वहाँ मौजूद है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, इंतज़ार में थे पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में दूर दूर से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस जुड़ चुके हैं। तापस, एक अलग ही उत्साह जो है नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तापस, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और अपडेट्स के लिए, और कैसे पूरा गर्मजोशी के साथ जो स्वागत है वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मौजूद हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं वाराणसी से, और जैसा हमने कहा कि ना सिर्फ पूरी गर्मजोशी के साथ जो जनता है वो इंतज़ार कर रही थी, हर कोई अपने कैमरे में उनको की तस्वीर को कैद करना चाहता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो कि अब पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में।
लोगों में एक अलग ही उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके बीच में पहुंच चुके हैं और खासतौर से जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, काफ़ी उत्साहित, क्योंकि हाल ही में ना सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि पास हुआ दोनों सदनों में, उसको लेकर भी काफ़ी उत्साह और काफ़ी खुशी का माहौल है महिलाओं के बीच, और उसी के लिए यहाँ धन्यवाद देने के लिए भी आज जो महिलाएं हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, विशाल जनसमूह मौजूद, और ख़ासतौर से जो युवा हैं आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। आज इस मौके पर कई सौगात जो हैं वो दी जाएंगी, जिनमें ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बल्कि अटल आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे, और इससे ठीक पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग ही जोश, एक उत्साह यहां मौजूद हर शख्स में नज़र आ रहा है, जो कि इंतज़ार कर रहा था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचेंगे। वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में, और इस जगह पर काफ़ी दूर दूर से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इंतज़ार अब कि कितने देर बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो जनता को संबोधित करेंगे। एक दिवसीय आज पीएम का यहाँ दौरा है, जहाँ पे ना सिर्फ जैसा हमने आपको बताया करीब 450 करोड़ की लागत से जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है 30 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में ये विकसित किया जाएगा, और उसके साथ साथ 16 अटल आवासीय विद्यालय हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। और एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी तपस का। तपस, जानना चाहेंगे आपसे कितनी देर बाद अब प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ पहुँच चुके हैं, जनता को संबोधित करेंगे और काफ़ी उत्साह जो है नज़र आ रहा है, और खासतौर से महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। बिल्कुल, आप आपको शायद याद हो कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया था, जब हमने बात की यहाँ पे कुछ लोगों से, जो महिलाएं थी, कि आपको कैसा लगता है कि इतना बड़ा एक जो बिल है ऐसे पास हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद आगे 10-15 साल की बाद भी इस तरीके का बिल पास नहीं होता। तो महिलाओं में काफी खुश है और बहुत ज्यादा खुश है कि इनको प्रधानमंत्री के एक बार एक सड़क खाने के एक बार तैयार थे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर भी आ रखे हैं, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर से लेकर रवि शास्त्री से लेकर सुनील गावस्कर, दिलीप विश्वनाथ, और जो रॉजर डेंगू प्रेजेंट है, सेक्रेटरी जो है वैशाली, ये सब आज आए हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी एक तरह से, ये बहुत एक ऐसा अनुभव है कि पता नहीं शायद बयान नहीं किया सकता, क्योंकि इस तरीके का स्टेडियम, ये एक तो मैं जितने भी क्रिकेट स्टेडियम देखे जनरली बहुत ही वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट में होते हैं, लेकिन ये शब्द ये पहला इस तरीके का स्टेडियम होने वाला है बनारस में, जो बनारस की जो चीजें हैं, जो उसका कल्चर है, भगवान भोलेनाथ के जो त्रिशूल है, उनके जो पूरा बनारस तरीके से बनारस उस चीज को लेके बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि बहुत लोगों में उत्साह है, क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ पे, बहुत सालों से यहाँ पे मांग थी कि एक स्टेडियम हो, कैपेसिटी का स्टेडियम हो, और करीब ये जो स्टेडियम होगा करीब 30 एकड़ से ज्यादा के लैंड में फैला होगा, और जंजार, ये बेसिकली ये बनारस से थोड़ा दूर है, जंजार करके एक जगह है, वहां पे आप सोचिए इतना बड़ा भव्य, मतलब इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी खाट की तरह से बनाई गई है, इसका जो फ्लड लाइट है वो त्रिशूल से इंस्पायर किया गया है, और इसका जो आसपास की जो जगह है वो जो जो सीटिंग अरेंजमेंट के आसपास की जगह है, ये आसपास के इलाके, जैसे मैं कह रहा था कि बनारस के आसपास के जो इलाके हैं वहां से लोग यहाँ पे आते देखने का आते हैं, और इसी वजह से आप जब प्रधानमंत्री आए थे तो यानी तपस, हम कह सकते हैं वाराणसी जो कि शिव की नगरी है, और स्टेडियम में भी जाहिर तौर पर उसकी झलक हमें सीधे तौर पर नजर आएगी। जो
जो जो चीजें हैं जिनको हर बार हम लोग देखते आ रहे हैं, जो मंदिरों में देखते हैं, उसी से इंस्पायर होकर ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और सिर्फ खेल कूद में देखिए जी बिल्कुल, और ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, जनता के बीच से होकर वो आगे की तरफ यहाँ बढ़ रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, और जाहिर तौर पर पूरी गर्मजोशी के साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हर कोई आप देख सकते हैं अपने कैमरे में उनको कैद करने चाहता है, और अब थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का 16 आवासीय विद्यालय जो हैं अटल आवासीय विद्यालय उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी तपस बता रहे थे कि काफ़ी समय से एक लंबा इंतज़ार वाराणसी की जनता को करना पड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए, और अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण, वाराणसी जो कि शिव की नगरी है, काशी जो कि जानी जाती है, और विश्व पटल पर एक और नई भूमिका में अब नजर आएगा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। 30 एकड़ से अधिक का क्षेत्र है इस स्टेडियम के लिए जिसमें ये बनेगा, और ख़ासतौर से काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस स्टेडियम की खासियत जैसा कि तपस बता रहे थे कि यहाँ पर जो फेडलाइट भी लगी है करीब अलग अलग, जो हम देख सकते हैं त्रिशूल की करीब की आकृति उसमें नज़र आएगी, जिस तरह का जो मॉडल अभी तक सामने आया था। वहीं अगर ड्रेसिंग रूम या पवेलियन की बात की जाए तो वो भी करीब करीब एक डमरू के आकार की कुछ आकार जो था वो हमें नज़र आया मॉडल में। और एक बार फिर से विश्व पटल पर जो वाराणसी है उसकी पहचान को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ₹1115 करोड़ रुपये की लागत से ये 16 अटल आवासीय विद्यालय हैं जिनका आज उद्घाटन किया जाएगा, और हर एक इस स्कूल में करीब 1000 जो छात्र हैं वो रह सकते हैं। ये वो छात्र जो कि ना सिर्फ निम्न वर्ग से हैं बल्कि श्रमिक हैं उनके बच्चे, और साथ ही कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन्हें भी शिक्षित करने के लिए व्यवस्था की गई है इन आवासीय विद्यालयों में। वाराणसी की जनता हमेशा एक अलग ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कुछ ही समय पहले दिल्ली से सीधा वाराणसी पहुँचे, राजधानी दिल्ली में भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया था, और उसके बाद अब वाराणसी पहुँच चुके हैं जहाँ पे जनता के सामने कुछ देर बाद वो जनता को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, और कई युवा खिलाड़ी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिनकी शायद एक जो सपना था वो लगभग पूरा हुआ है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर क्रिकेट स्टेडियम होगा तो जाहिर तौर पर ये किसी सपने से बड़ा नहीं हो सकता, और वही सपना साकार अब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम है वो यहाँ विकसित किया जाएगा। और इसी की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं वाराणसी की जनता को। जनता के बीच से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहे थे, और पूरा ही जोश उत्साह अलग ही स्तर पर आप देख सकते हैं जो वाराणसी की जनता है नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे, और फिलहाल आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके साथ साथ अगर अन्य परियोजनाओं की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अगर इसके साथ साथ अटल आवासीय विद्यालयों की भी बात की जाए, और कई ऐसी सौगात हैं जो कि आज वाराणसी को मिलने जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए इन तमाम क्षेत्रों की, क्योंकि ना सिर्फ प्रधानमंत्री का जोर रहा है, अगर खेलों के प्रति लगाव की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो कोशिश रही कि कैसे
सबका साथ सबका विकास जो है, इसी ध्येय को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी में आज कई परियोजनाएं हैं जिनका यहाँ पर शिलान्यास होगा, कई सौगात हैं जो वाराणसी की जनता को मिलने जा रही हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है, करीब 30 एकड़ से अधिक का क्षेत्र जिसमें ये विकसित किया जाएगा। और अपने आप में ये स्टेडियम भी एक तरीके से शिव नगरी काशी को दर्शाएगा, क्योंकि फिर चाहे पवेलियन ड्रेसिंग रूम की हम बात करें या फिर फेडलाइट्स की बात तक की जाए, तो ये भी अपने आप में एक तरीके से दर्शाएंगी इस काशी के स्टेडियम को, वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को। और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं और शायद से सुनील गावस्कर जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तापस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, अभी जो प्रधानमंत्री हैं कुछ देर बाद जनता को संबोधित करेंगे, उसके बाद किस तरह का कार्यक्रम रहेगा आप यहाँ से? सीधी तस्वीरें फिलहाल हमने आपको दिखाई, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जनता के बीच, और ये मंच काशी की धरती पर आज हम उनका सहर्ष अभिवादन करते हैं। सहस्त्र वर्षों से भारत की धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक राजधानी रही ये काशी। इसमें जो आज जरा सी कमी थी वो आज पूरा करने के लिए आप मंच पर हैं। हम सब कृतज्ञ हैं, भारतवासी कृतज्ञ हैं, काशीवासी कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि सर, हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नंदी गाय प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये हम सब की तरफ से आपको एक छोटा सा, छोटी सी भेंट, हमारी भावनाएं। और अब मैं अनुरोध करती हूँ BCCI के चेयरमैन आदरणीय श्री रोजर बिन्ने जी और सेक्रेटरी श्री जय शाह जी से कि सिंबॉलिक बैट उन्हें प्रदान करके आज इस अवसर पर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करती हूँ वाइस चेयरमैन श्री राजीव शुक्ला जी BCCI के कि वो भी बैट प्रदान करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच भारत माता की, और भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय श्री सचिन तेंदुलकर जी एक नमोह की जैकेट, जर्सी प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम सब की तरफ से बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः सम्मानित मंच का हम वादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत सौ सौ बार आपका, सौ सौ बार है अभिनंदन। आज की तारीख काशी की तारीख में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी। और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, सम्मानित मंच पर उपस्थित क्रिकेट के सितारों का स्वागत करने के लिए मैं बड़े ही आदर और के साथ अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी का स्वागत करें। नमः पार्वती पतये हर हर। G20 समिट की अभूतपूर्व सफलता के उपरांत अनेक उपलब्धियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
आज उनकी अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, G20 की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति भारत के वैश्विक लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में, देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसके आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप बेंगसरकर जी, श्री कर्शन धावड़े जी, श्री मदनलाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय साजी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से,
सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी सी ऑडियो वीडियो देखते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्या क्या खास है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतरता वाले शहरों में से, जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी, 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि यहां एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जहां क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल है सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, प्लग इन प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। साउथ पवेलियन के ऊपर लेवल में एक विशिष्ट VVIP जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लाउंज होंगे।
स्टेडियम तक सुगम पहुंच के लिए डेडिकेटेड सड़कें और पाथवेज भी होंगे। काशी जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है, जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे, मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा, साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। G20 की सफलता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और चंद्रयान की उड़ान के बाद जो थोड़ी बहुत कमी बची थी वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी, और उसका परिणाम है आपके गगनभेदी नारे, जोरदार तालियां। आप सबकी तरफ से आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज इस अवसर पर हम सबको एक बार फिर अपने आशीर्वाद के छत्र साया से अभिसंचित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो, जोन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का एक महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर
भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी इनको भी फायदा होता है, हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत
स्पोर्ट से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है, बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले एक दो महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा, भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले, हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में तीन तीन पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा, इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग दो दो चार चार दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुनकर के देखकर के देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ालालपुर, उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो, हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है।
हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेंबर बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव गांव में कोने कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है। खेलों के महारथी मौजूद है। जरूरी है इन्हें तलाशना और इन्हें तराशना। आज छोटे से छोटे गांवों से निकले युवा पूरे देश की शान बने हुए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। हमें इस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हमारे बीच विशेष तौर पर पधारे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। काशी से ये स्नेह दिखाने के लिए मैं उन सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। यहां जो दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है वो इसकी अहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। जो खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल कर आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग अलग खेलों से जोड़ा गया है। साथियों, सरकार
गांव गांव में जो आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, उससे गांव के छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। अब देश के हर कोने में, देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है। अब बेटियों को खेलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से ज्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को उसी कैटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स को स्कूलों में बकायदा एक विषय की तरह पढ़ाए जाना तय हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। यूपी में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये ना सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जा सके। यह स्टेडियम जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा। ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि हर विकास कार्य के लिए मेरी काशी अपना आशीर्वाद लिए मेरे साथ खड़ी रहती है। आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। एक बार फिर काशी के लोगों को, पूरे पूर्वांचल को क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर हर महादेव। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। Thank you.
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। वाराणसी के वो दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय